अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग एथिक्स। कि एथिक्स क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है और नर्सिंग से इसका क्या रिलेशन है। एथिक्स आल्सो नोन एज मॉरल फिलॉसफी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच सीक्स टू एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट मोरलिटी। इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ राइट एंड करेक्ट एंड रॉन्ग और इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। सही यानी कि बिहेवियर के हिसाब से परफॉर्म करता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। नर्सेज आर हेल्प टू एथिकल प्रिंसिपल्स कंटेंट विद इन द अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स। एथिक्स आर एथिकल प्रैक्टिस आर इंटीग्रेटेड इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग केयर। इसकी मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स दो हैं। द टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल थॉट्स आर यूटिलिटेरियन एंड ड्योंटोलॉजी। ड्योंटोलॉजी क्या है? ड्योंटोलॉजी इज़ द एथिकल स्कूल ऑफ थॉट दैट रिक्वायर्स द बोथ मीन्स एंड द एंड गोल्स मस्ट बी मॉरल एंड एथिकल। ड्योंटोलॉजी क्या है कि जिसमें मीन, जो उसका मीन होता है वो भी मॉरल और एथिकल होगा, और जो उसका गोल आएगा फिर वो भी मॉरल और एथिकल होगा। मॉरल मतलब मैंने कि प्रोफेशनल बिल्कुल होगा, एथिकल मतलब इखलाकी तौर पर भी सही होगा बिल्कुल। और यूटिलिटेरियन क्या है? यूटिलिटेरियन एथिकल स्कूल ऑफ थॉट्स स्टेट्स दैट द एंड गोल जस्टिफाइज द मीन्स इवन व्हेन द मीन्स आर नॉट मॉरल। यूटिलिटेरियन के क्या हो, जिसके मीन्स एथिकल हो या मॉरल ना भी हो, यानी कि एथिकल और मॉरल ना भी हो लेकिन उसके जो गोल है वो पेशेंट को जस्टिफाई करना है, यानी कि पेशेंट को अगर जस्टिफाई करता है तो वो सही है। इसके बाद अदर एथिकल प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या हैं? द एथिकल प्रिंसिपल्स दैट नर्सेज मस्ट एडहेयर टू आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, बेनिफिस, नॉन मेलिफिसेंस, अकाउंटेबिलिटी, फिडेलिटी, ऑटोनॉमी एंड वेरेसिटी। जस्टिस क्या है? जस्टिस इज़ फेयरनेस, यानी कि इंसाफ करना है अपने पेशेंट के साथ। नर्सेज मस्ट बी फेयर विद दे डिस्ट्रीब्यूट केयर फॉर एग्जाम्पल अमंग द पेशेंट्स इन द ग्रुप ऑफ पेशेंट्स दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ। केयर मस्ट बी फेयरली, जस्टली एंड इक्वेटिवली डिस्टर्ब्ड अमंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। सेकेंड हमारे पास क्या है? बेनिफिशेंस इज डूइंग गुड एंड द राइट थिंग फॉर द पेशेंट। डूइंग गुड बेनिफिशेंस। नॉन मेलिफिशेंस का मतलब है डूइंग नो हार्म, पेशेंट को आपने किसी भी हालत में चोट नहीं पहुँचानी। As stated in the historical Hippocratic oath, harm can be intentional or unintentional. Accountability. Accountability is accepting responsibility for one own actions. यानी कि आप answerable होंगे हर चीज़ के लिए। Nurses are accountable for their nursing care and other actions. They must accept all of the professional and personal consequences that can occur as a result of their actions. Next हमारे पास है fidelity. Fidelity is keeping one's promises. कि आपने पेशेंट के promises जो से करते हैं वो रखने हैं आपने। The nurses must be faithful and true to their professional promises and responsibilities by providing high quality safe care in a competent manner. Autonomy. Autonomy and patient self-determination are upheld when the nurses accept the client as a unique person who has the innate right to have their own opinions, perspectives, values and beliefs. Nurses encourage patients to make their own decision without any judgment or concern from the nurse. The patient has the right to reject or accept all treatments. यानी कि पेशेंट को आपने खुद ही फैसला करने देना है, आपके ऊपर उसको कोई बोझ नहीं डालना है कि आपने लाजमी ये करना है। पेशेंट को खुद ही फैसला करने देना है, इंकरेज करना है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने फैसले खुद करें। वेरेसिटी इज़ बींग कम्प्लीटली ट्रूथफुल विद पेशेंट्स। नर्सेज मस्ट नॉट विद होल्ड द होल ट्रूथ फ्रॉम क्लाइंट इवन वेन इट मे लीड टू पेशेंट डिस्ट्रेस। वेरेसिटी क्या है कि पेशेंट को आपने पूरी सच्चाई बतानी है, उसे कुछ छुपाना नहीं है। अगर वो डिस्ट्रेस में जाए लेकिन फिर भी आपने उसको बताना है। द मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग एथिकल इशूज एंड कंसर्न इन हेल्थ केयर इंक्लूड द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज एंड एंड ऑफ लाइफ इशूज़। यानी कि स्केयर्स यानी कि वो यानी इशूज़ क्या आते हैं वेरासिटी के, ज़्यादातर इशूज़ के पेशेंट अगर
वो चाह रहा है कि वो ज़्यादा, उसको कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रहा, बस 2 महीने तक ज़िंदा रह पाए, तो पेशेंट बोलता है कि उसको वो अपनी खुशी से चाहता है कि उसकी ज़िंदगी लाइफ ख़त्म कर दी जाए। ये ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं। बायो एथिक्स, बायो तो इसका है कि जिसमें एथिक्स का बायो के साथ यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ वो हो, रिलेशन हो। बायो एथिक्स इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ एथिक्स। बायो एथिक्स एड्रेसेस एथिकल कंसर्न्स लाइक दोज दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एडवांसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन करंट बायो एथिकल इशू रिजॉल्व अराउंड स्टेम सेल्स, जैसे सर क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, किस चीज़ का क्लोन बनाना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। एथिकल प्रैक्टिसेस में क्या है, अ नर्स डिमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू, कि एथिकल प्रैक्टिस किस लिए गया, रिकोगनाइज एथिकल डिलेमास एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। डिलेमास क्या होते हैं कि क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, यानी कि बेसिकली यानी कि दो उसके आंसर होते हैं, आपको सही भी लग सकता है और रॉन्ग भी। कुछ पीपल को वो सही, कुछ लोगों को वो सही भी लगेगा और कुछ लोगों को नहीं भी लगेगा। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह लेते हैं कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर पेशेंट एक है लेकिन वो चाहता है कि उसको बीमारी है किस चीज़ की, तो 2 महीने तक ज़्यादातर ज़िंदा रहेगा, तो वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी पहले ख़त्म करी जाए अपनी खुशी से। अब किसी को ये सही भी लगेगा कि नहीं करनी चाहिए, हमें आखिर हद तक कोशिश करनी चाहिए ताकि वो ज़िंदा रह सके, और कोई कहेंगे कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता हो, और तो उसको डिलेमास कहते हैं। इन्फॉर्म क्लाइंट स्टाफ मेंबर्स ऑफ एथिकल इश्यूज़ अफेक्टिंग क्लाइंट केयर। प्रैक्टिस इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द कोड ऑफ एथिक्स फॉर रजिस्टर्ड नर्सेज। एवेलुएट आउटकम्स ऑफ इंटरवेंशंस टू प्रोमोट एथिकल प्रैक्टिस। थैंक यू, होप यू लाइक इट।